हेलो फ्रेंड्स, फिर से हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, हाउ टू बी अ सुपर इन्वेस्टर पार्ट टू। फ्रेंड्स, मैंने पार्ट वन में बताया था आपको कि सेक्टर चूज करना चाहिए, कौन सा सेक्टर चलने वाला है, थीम के हिसाब से बाय करना चाहिए। अब इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि जिसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं और इसी गलती के कारण उनका रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाता है और वो शेयर चलता नहीं है। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं, सर मेरे पास ये शेयर पड़े हैं, चल क्यों नहीं रहे हैं, वो शेयर है चल क्यों नहीं रहे हैं, वाई माई शेयर्स आर नॉट मूविंग, आई एम होल्डिंग सिंस 2 months 3 months, ऐसा कमेंट करते हैं। देन आई गो एंड चेक एंड व्हाट आई फाइंड कि उनका क्वार्टर रिजल्ट आया था खराब। यस, सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ बिकमिंग द सुपर इन्वेस्टर इज यू शुड ऑलवेज चेक द क्वार्टर रिजल्ट ऑफ द शेयर विच यू हैव बॉट। मतलब कि अगर समझो आपने कोई शेयर लिया है और अगर उसका क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आता है, फॉर एग्जांपल अभी दिसंबर क्वार्टर का सीज़न चल रहा है, दिसंबर क्वार्टर जो भी कंपनी का आपकी पोर्टफोलियो में होगा और अगर उसका दिसंबर क्वार्टर एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ख़राब आया होगा, तो आपने उस शेयर में से एग्जिट कर देना चाहिए लॉस बुक कर कर। यस, आई रिपीट, लॉस बुक कर कर एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि वो शेयर कभी भी स्लो ही चलेगा आने वाले 2-3 months के लिए, फास्ट नहीं चलेगा। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सितंबर का जो क्वार्टर था वो सितंबर 2021 का क्वार्टर आया था ख़राब, थिरुमलाई केमिकल का। बहुत ख़राब नहीं आया था, हार्डली 10% डाउन था एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, हार्डली 10%। सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी ऑफ दीपक नाइट्रेट, थर्ड एग्जाम्पल यू कैन सी ऑफ अल्काइल अमाइंस, फोर्थ एग्जाम्पल यू कैन सी ऑफ बालाजी अमाइंस। फ्रेंड्स, ये कितने एग्जाम्पल हैं हमारे पास में रिसेंट पास्ट के, कि जिनके क्वार्टर रिजल्ट बहुत ख़राब भी नहीं आए थे, थोड़े बहुत ही डाउन आए थे एज़ कम्पेयर टू देयर प्रीवियस पास्ट। तो आपने देखा होगा कि वो शेयर समय कितने नीचे गिरते ही गए एंड दे वे नॉट मूविंग फास्ट, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। और देखिए, दीपक नाइट्रेट 2000 तक आ गया था, जो 3000 तक पहुँच चुका था, पर क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आया तो डायरेक्ट 30-40% नीचे जाके रुक गया। ये थिरुमलाई केमिकल भी 360 rupees तक चला गया था और क्वार्टर रिजल्ट खराब आने के बाद इट वेंट डायरेक्टली एंड टच्ड अप टू 240 rupees और वहीं घूमते रहा, 240, 250, 260 के ऊपर आ ही नहीं पाया 3 महीने तक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि क्वार्टर रिजल्ट इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी शेयर के भागने के लिए। आप ये सोच के मत बैठिए कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो टेंशन वाली बात नहीं है। जिसका रिजल्ट ख़राब आया उसमें से एग्जिट करना, जिसका रिजल्ट अच्छा आया उसमें एंट्री करना, अगेन चेक करो 3 महीने बाद, अगर रिजल्ट अच्छा है आपकी जो फेवरेट कंपनी है तो फिर से उसमें एंट्री कर सकते हैं। रिसेंट में आपको एग्जांपल देता हूँ, भंसारी इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स लिमिटेड, वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स ऑफ स्टॉक मार्केट, डेट फ्री कंपनी है, फंडामेंटली साउंड है, बट उसका दिसंबर क्वार्टर आया है अभी ख़राब। तो यही जो शेयर 220 तक पहुँच गया था, सेप्टेम्बर क्वार्टर उसका आया था बहुत अच्छा भंसारी इंजीनियरिंग का, तो 220 तक पहुँच चुका था 100 से, जो कि अभी गिरकर पहुंच चुका है, दिसंबर क्वार्टर अच्छा नहीं आया है उसका, तो अभी 140 के आसपास ही घूम रहा है और वहीं धक्के खा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपके पोर्टफोलियो को आप चेक कीजिए आफ्टर दिस वीडियो, कि आपका कौन सा शेयर नहीं चल रहा है, उसका कारण क्या है, उसका दिसंबर क्वार्टर अगर एवरेज आया या ख़राब आया तो तुरंत एग्जिट कीजिए, लेट योर लॉस बी 10%, 20%, 40%, 50%, बिकॉज उसका लॉस रिकवर होने में आपको लग जाएंगे 3 से 4 महीने, नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा आया तो वो भी, उससे तो अच्छा आप लॉस बुक कर लीजिए, यू बुक द लॉस एंड यू एंटर इन द न्यू एज, और जिसका दिसंबर क्वार्टर अच्छा आया है फ्यूचरिस्टिक कंपनी में एंट्री मारिए, क्योंकि वो शेयर आने वाले 3-4 महीने में आपको 30 से 100% के रिटर्न डेफिनेटली देंगे, तो आपका लॉस 100% रिकवर होगा। अब मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बेस्ट दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स, और वन मोर प्लेलिस्ट आई हैव बेस्ट 10 shares टू बेस्ट शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म। उस प्लेलिस्ट में से आप कोई भी शेयर चुन लीजिए और आप देखिए फंडामेंटल्स। मैं कभी भी आपको गलत फंडामेंटल के शेयर सजेस्ट करता ही नहीं हूँ, और जो मुझे पसंद है, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, वो सोच समझ के आपको रिकमेंड करता हूँ, और उनका रनअप भी देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटा इंडिया, उसका सेप्टेम्बर क्वार्टर भी अच्छा आया था, तो वही शेयर आपको 150 से जा पहुँचा था 340 तक, और उसका अभी दिसंबर क्वार्टर भी अच्छा आया है, तो वही उसका अपर सर्किट में आज क्लोज हुआ है। इसका ग्रेविटा इंडिया का टारगेट रहने वाला है अभी 600 rupees इन कमिंग 1 or 2 months। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही देखिए शेयर भागते हैं, तो आपने कभी भी बाय करते वक्त प्रिंसिपल नंबर 2, चेक क्वार्टर रिजल्ट रेगुलरली, जिसका खराब है उसमें से एग्जिट करना, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, अभी खराब रिजल्ट आया है
उसका सेप्टेम्बर क्वार्टर अच्छा आया था तो अच्छा चला हुआ शेयर, अभी डिसंबर क्वार्टर खराब आया है तो मैंने आज ही वीडियो डाल के बनाया है कि इसमें से एग्जिट कर जाओ बिकॉज इसमें बहुत स्लो मूवमेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपने रिशफल करना होता है अपने पोर्टफोलियो को, तो जो शेयर आपका नहीं चल रहा है उसमें से एग्जिट कीजिए और जो शेयर का रिजल्ट अच्छा है उसमें एंट्री कीजिए। योर लॉस विल रिकवर फास्ट एंड योर पोर्टफोलियो विल बी ग्रीन। आपका पोर्टफोलियो वो शेयर कम से कम 30-100% का प्रॉफिट दे देगा इन कमिंग जस्ट 2-3 मंथ्स। यू कैन चेक ऑल द वीडियोज विच आर पोस्टेड इन बेस्ट डिसंबर क्वार्टर इन प्लेलिस्ट और बेस्ट शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म, उसका भी जाके उसमें टॉप 10 शेयर्स, टॉप 5 शेयर्स ऐसे दिए मैंने। यू कैन स्टडी देम एंड यू कैन चूज एनी शेयर टू होल्ड फॉर कमिंग 2-3 मंथ्स फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।